नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड में। दोस्तों, SSC GD भर्ती 2022 आ चुकी है, टोटल 24,369 पदों पर आई है। इस वीडियो में हम लोग फुल नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, वह बदलाव क्या है हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा हाइट, चेस्ट, वेट, ठीक है, रनिंग सैलरी, और जो कई लोगों का कमेंट आया था कि अपियरिंग स्टूडेंट क्या इसमें भाग ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, कोई भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है, और उसके बारे में डिटेल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर GK GS से संबंधित वीडियो अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा देना है और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, यह नोटिफिकेशन कल की डेट में आया था, कल रात में, ठीक है। और टोटल इसमें बात करें, इसका जो फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो रहा है 27/10/2022 से 30/11/2022 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और जो पेमेंट करने का लास्ट डे है 30/11/2022 तक है। और जो ऑफलाइन चालान है, ऑफलाइन चालान का भी डेट 30/11/2022 तक ही दिया गया है। और लास्ट डेट एंड टाइमिंग फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस, यहाँ पर ये सब डेट दिया हुआ है। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन होगा। उसका शेड्यूल कब जारी किया जाएगा, तो January 2023 में इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अब चलिए एक एक पेज देखते हैं, टोटल नोटिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा है, तो हम इसमें मेन चीज़ पर चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, पे स्केल यानी इसके सैलरी की बात कर रहा है, तो इसमें पे लेवल 18,000 to 56,000 है फॉर द स्पोसी NCB एंड लेवल 3 21,000। इसका मतलब है 21,700 आपको बेसिक सैलरी हाथ में, मतलब बेसिक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा इसमें 38% DA यानी महंगाई भत्ता, DNS अलाउंस, उसके अलावा आपकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इस सब चीज़ का अलाउंस और भी बहुत तरीके के अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। तो कुल मिला जुला करके 45,000 के करीब से, ठीक है, 45K से आपकी सैलरी की शुरुआत होगी। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। तो 45,000 शुरुआती सैलरी आपकी लगभग बनेगी। अब देखिए, किस पोस्ट में कितना पद है, तो यहाँ पर लिखा गया है BSF में, यहाँ पर आप लोग अपनी कैटेगरी देखते चलिएगा। BSF में SC में 1405 पोस्ट है, और SC में 917, OBC में 1980, EWS में 887, UR में 3,733, यानी टोटल 8,922 पोस्ट BSF में है। CISF में 90 पोस्ट है, और 8,380 पोस्ट जो है CRPF में है। वैकेंसी और भी ज़्यादा आती यदि CISF में, मतलब CRPF में वैकेंसी बढ़ाया जाता तो, यह मेल की कैंडिडेट की बात हो रही है, ठीक है। इतना यह सब जो है यह मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर है। अब उसके अलावा CRPF में हो गया, SSB में 1,041 पोस्टेज हैं, और ITBP में 1,371, और टोटल कुल मिलाकर के 21,579 पोस्ट किस में है, मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पर बात करें, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,626 वैकेंसी है। इस प्रकार टोटल मिला करके हो जा रहा है यहाँ पर कितना, 24,205 वैकेंसी। और यहाँ पर जो NCB के लिए दिया गया है, सब मिला करके 164 इनकी भी वैकेंसी है। तो कुल मिला जुला करके 24,369 वैकेंसी यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट के लेकर के आपकी बार सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट था कि क्या हमको मौका मिलेगा कि नहीं, तो SSC ने सभी को मौका दिया है। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, वह लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एज लिमिट क्या लिखा है, 18 से 23, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 1/1/2023 कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन, यानी कि 2/1/2005 एंड लेटर देन, यानी कि 1/1/2005 के बाद के नहीं जन्म होने चाहिए। और कुल मिला जुला कर यहाँ पर कह रहा है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर, यानी कि 2/1/1997 के पहले का नहीं जन्मा रहना चाहिए, और 1/1/2005 इनके बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 97 से लेकर 2005 तक मौका दिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे, नोट में करके लिखा है, कोरोना महामारी के कारण यहाँ पर
और भी 3 सालों का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि ओबीसी एसटी एससी वालों को 3 साल और छूट मिलेगा। 97 में से 3 और पीछे चले जाइए, यानी कि 94 तक लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सबके लिए यह मौका दे दिया है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ 97 तो दिया है, और यहाँ पर देखिए जो छूट की बात हमने अभी अभी की है, एक मिनट, तो छूट इसके अलावा यहाँ पर छूट कितना मिलेगा, 97 के अलावा छूट यहाँ पर एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और एक सर्विसमैन को 3 साल, और इसके अलावा चाइल्ड चिल्ड्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड 1900 यह दिया, इनको 5 साल तक का छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें सभी लोगों को मौका दे दिया गया है, जो लोग आज छोड़ चुके थे कि हमको मौका नहीं मिलेगा, उनको भी यहाँ पर मौका दे दिया गया है। तो सबके लिए बहुत अच्छी बात है, और इसमें अब की बार एग्ज़ाम पैटर्न में भी बदलाव किया है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो चलिए पेज नंबर 2 यहाँ पर क्या दे रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज 1/1/2023। तो जो लोग अपियरिंग स्टूडेंट हैं, सोच रहे हैं कि हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, तो आप अपने आप को यहाँ पर मिला लीजिएगा, 1/1/2023, ठीक है, 1/1/2023 तक आपके पास हाई स्कूल यानी मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या लिख दिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज आने, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा कब से मान्य होगा, 1/1/2023 से। तो आप अपना देख लीजिए सर्टिफिकेट, 1/1/2023 तक इशू हो जाना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इन सब के लिए बोनस मार्क मिलता है, यहाँ पर मिलेगा यदि एनसीसी सी सर्टिफिकेट किए हैं तो 5%, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट 3%, और ए सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर 2% का यहाँ पर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है, तो एसएससी की डायरेक्ट वेबसाइट पर जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 100 रुपया रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप अपना सेंटर भी, एग्ज़ाम सेंटर भी चूज कर सकते हैं कि आपका परीक्षा कहाँ पर होगा। तो यदि आप सेंट्रल रीजन में कौन कौन सा आता है, तो यहाँ पर ये सब भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पटना, बरेली, ठीक है, कानपुर, मीरठ, वाराणसी, ये सब सेंट्रल रीजन में आ जाता है। इनका कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको सेंटर कोड पूछेगा कि या फिर सेंटर ही दे देगा कि कहाँ पर आप भरना चाहते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, और यदि आपको यह फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो हमने टेलीग्राम पर कन्हैया जी असवल टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप वहाँ से भी पा सकते हैं। तो यहाँ पर यह जोन वाइज आप देख सकते हैं कि किस किस रीजन में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न में क्या बदलाव किया है, बहुत बड़ा बदलाव है, जो कि पहली बार यहाँ पर देखें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पर, और टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। पहले क्या होता था कि 100 क्वेश्चन आता था 100 नंबर का होता था, लेकिन अब 80 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 यानी कि 160 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है, और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर जो बेसिक प्रारंभिक मैथमेट्री वह भी दिया है, और जो 3D था उसको हटा दिया है, तो 20 क्वेश्चन यहाँ से भी 40 नंबर का आएगा। इंग्लिश या हिंदी आपकी पसंद, या हिंदी में दे या इंग्लिश लें, तो वह भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर का आएगा, ठीक है। और 60 मिनट ही मात्र टाइम मिलेंगे, पहले 100 क्वेश्चन पे 90 मिनट टाइम मिलता था यानी 1.5 घंटा, लेकिन अब 80 क्वेश्चन पे मात्र 60 मिनट टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। और यहाँ पर देखिए निगेटिव मार्किंग को लेकर के लोग बहुत बड़ा डाउट कर रहे थे कि निगेटिव मार्किंग 1/2 की है या 1/4 की है। तो यहाँ पर देखिए जब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 0.5 यानी कि 2 का जब 0.5 निकालेंगे तो 1/4 ही आएगा। तो निगेटिव मार्किंग 1/4 ही रखी गई है, 1/2 नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस यह चीज़ दिया हुआ है, और यहाँ पर जीए का सिलेबस यह सब चीज़ दिया हुआ है, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का यहाँ पर देखेंगे तो 2D 3D यहाँ पर हटा दिया है, बस आसान वाला चैप्टर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आपका आएगा। और PST और PT की बात करें, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें, तो मेल के लिए 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में दौड़ करनी होगी, और फीमेल के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में
दौड़ना रहेगा, ठीक है। और इसका कोई नंबर नहीं मिलता है, और जो लद्दाख या फिर पहाड़ी रीजन के हैं, पूर्वोत्तर के हैं, उनको यहाँ पर छूट भी दी जाती है। हाइट क्या है, हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और फिर यहाँ पर वही बात कर रहा है कि यदि आप ट्राइबल्स एरिया से हैं या फिर पहाड़ी एरिया से हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर देखेंगे इनका हाइट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर छूट मिल जाएगी, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और चेस्ट की बात करें तो चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए, ठीक है, 75 से 80 मैक्सिमम फुला 80 रहना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी कि 85 आपका होना चाहिए फुलाने के बाद, 80 वैसे रहना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव मांगा जाता है। और ट्राइबल्स एरिया के लिए यहाँ पर छूट मिल जाती है, ठीक है। तो जो जो भी मेन चीज़ थी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, और कुछ यदि आपके मन में अब भी डाउट है तो नीचे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।